हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने पहले ही कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें नमक और 1.5 कप पास्ता डालकर मिला लेंगे। और 7 से 8 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, इसे हम हाथ से चेक कर लेते हैं। देखिए, पास्ता काफी मुलायम हो चुका है, यानी ये रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें छान लेंगे। ठंडे पानी से इसे धो लेंगे। हम इसे इसलिए धो रहे हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे। देखिए पास्ता कितने खुले खुले बने हैं। हमारे पास्ता तो रेडी है, अब सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 कप गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ गाजर, 1/4 स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे और मिला लेंगे। हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। देखिए, गाजर और बाकी सब्जियां हल्की सी पक चुकी हैं। अब गैस बंद कर देंगे। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए पैन में 2 चम्मच मक्खन डालेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसमें 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। अब हल्का सा चला लेंगे। ध्यान रहे, लहसुन को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सफेद ही रखना है। अब इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे भी बटर के साथ मिला लेंगे। ध्यान रहे, मैदे और मक्खन की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखिए, मैदा रेडी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे।
इसे लगातार चलाते रहना है। मिलाने के लिए हम विस्क का यूज करेंगे ताकि डेले ना पड़े और मैदा दूध में अच्छे से घुल जाए। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक सॉस जैसा गाढ़ापन ना आ जाए। अब इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें करीब 2 चम्मच ग्रेटेड चीज डालेंगे। और मिला लेंगे। अब इसमें फ्राइड वेजिटेबल्स डालेंगे। और इसे व्हाइट सॉस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब बॉइल्ड पास्ता डालेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए काफी सुंदर लग रहा है। अब इसे चिली फ्लेक्स से गार्निश कर लेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। बच्चे इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।